तो क्या हाल इस वीडियो में फिर से हर बंदे की होने वाली है क्या? मतलब आपको पता है यार, मतलब लाल हर बार बोलना पड़ेगा क्या? नहीं, मतलब हो चुकी है लाल, क्योंकि भाई साहब हमें मिल चुकी है AWM द पापा गन। मतलब मिली नहीं है यार, मतलब हम स्पिन कर रहे हैं और भाई साहब आजमा रहे हैं अपना लक। और कैसा है? और भाई साहब मैं बता दूं कि इसके बाद अकाउंट बैन हो गया। कैसे हुआ वो आपको बाद में पता चलेगा, इसलिए यार इस वीडियो को पूरा का पूरा ज़रूर देखना। और भाई साहब लास्ट में एक फ़नी क्लिप है, और अकाउंट बैन तो आपको पता ही है कैसे हुआ। मतलब देखो यार वीडियो पूरा देखना, और भाई साहब आपको पता चलेगा कि ओम इतनी इजी नहीं है मिलना। दूसरों को 200 पे भी एक भी नहीं मिलती, 200 स्पिन्स पे, पर हमें तो यार 120 स्पिन में दो दो मिल गए। व्हाट द लक, मतलब WTF नहीं बोला है मैंने, व्हाट द फक नहीं बोला है, मतलब व्हाट द लक बोला। अगर खान में कुछ, पर यार इस बार पबजी है ना हमसे ज़्यादा नहीं ले रहा, क्योंकि शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। मतलब लेना, हर बार लेना क्या लेता है यार, हर बार क्यों लेगा बेचारा? बेचारा यार लेते लेते बेचारा थक गया यार। मतलब हमें देने में खुशी हो रही है पर उसे लेने में खुशी नहीं हो रही। तो भाई साहब इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं स्पिन, और हमें मिल चुकी है AWM पर थोड़ा बहुत आगे। और भाई साहब यहाँ पर हमारे 57 स्पिन हो चुके हैं पर अब तक हमें नहीं मिली, तो अब हम थोड़ी बहुत और यूसी डालेंगे, और उसके बाद देखिए यार तीसरे ही स्पिन में मिल जाती है AWM यार। तो भाई यार हमने यूसी डाल दिए, और भाई साहब यहाँ पर हम अब स्पिन करने ही वाले हैं, करने ही वाले हैं, कतई लगातार करने ही वाले हैं। और भाई साहब ये टट्टी सा पैराशूट दे दिया पबजी वालों ने, मतलब है अच्छा पर उतना भी खास नहीं। और भाई साहब पेंट तो है ना, ये भर भर के दे देंगे पबजी वाले यार, पर ओम की स्किन ना दे यार। मतलब अब देखो वो, मतलब क्या है पबजी यार, वो सामने गया था फिर पीछे कैसे आ गया यार, ये क्या माँ कसम चीज़ है यार, माँ कसम चीज़ भाई, कतई माँ कसम। अबे इनवाइट क्यों कर रहा है इनवाइट, अबे अबे नहीं मैं गलती से इधर उधर नहीं निकलता हूँ। और भाई साहब पबजी ने हमें दे दिया ये सूट, क्योंकि हम है ना हर हर रोज़ रेगुलर कंटेंट डालते हैं। मतलब मज़ा कर रहा हूँ यार, मतलब थोड़ा बहुत डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि भाई हम कतई पुश कर रहे हैं कॉन्करर, और उसकी वजह से ये सब हो रहा है। और भाई साहब बातों बातों में आप भूल चुके हो कि हमें ओम घुस चुकी, सॉरी यार मतलब ओम मिल चुकी है। और भाई साहब ये हेलमेट थोड़ा बहुत टट्टी सा है, क्योंकि पीछे देखो यार क्या है वो ड्रेस, तो कतई मुझे अच्छी तो नहीं लगी। मतलब अगर आपको अच्छी लगी नहीं लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे तो खास कर नहीं लगी, उतनी खास नहीं थी। मतलब जैसे कि मेरी 100 RP है, और वो दूसरी वाली जिसका नाम है रेड कमांडर सेट, मतलब माँ कसम है सही में। और भाई साहब यहाँ पर हम इसे करने वाले हैं लेवल अप, पर उससे पहले थोड़े बहुत और भाई किल मैसेज देखिए। अबे नहीं कातिलाना दिल मेरा, नहीं, मतलब कॉपीराइट पड़ेगा पर कोई नहीं। और भाई साहब यहाँ पर हम और दो तीन स्पिन करने वाले हैं ताकि हमें थोड़ी बहुत मटेरियल मिल सके। और भाई साहब ये टट्टी सा फिर से बैग, ये बैग है ना मुझे इस स्पिन में 4 बार मिले, और भाई साहब दो मेरे पास ऑलरेडी पहले से थे। ये शायद DP नहीं यार, ये शायद रॉयल पास में कहीं पर आया था यार, मुझे याद नहीं। और भाई साहब ये देखिए और एक AWM, ओ भाई मारो मुझे मारो, ये क्या था? अबे नहीं ये क्या था पबजी? नहीं तू तो ऐसे तो कुछ तू लेता नहीं यार, पर आज तूने दे दिया सब कुछ यार, बिना लिए तू तो देता ही नहीं यार। टिट फॉर टाट, मतलब टिट फॉर टाट। और भाई साहब ये अरे अपग्रेडेबल AWM देखिए जरा, कतई जहर कतले है। और भाई साहब मैं बता दूं इसका फाइनल फॉर्म जो है ना, कतई कातिलाना दिल है मेरा, उससे भी कुछ ज्यादा ही अच्छा है भाई। ये देखो अब हमारा नॉर्मल एडवांस फॉर्म हो चुका है, तो इसके अंदर एनिमेशन नहीं आया, जस्ट प्लेटिंग लगी है, मतलब LED लग चुकी है, उसके अंदर लाइट घुसाना है बस, चार्जर घुसेड़ना है। मतलब आपको पता है ना आशीष चलचरानी वीडियो देखी है ना, नहीं देखिए तो। और भाई साहब यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये स्किन मैंने इसलिए ली क्योंकि भाई साहब सीजन 12 में मैंने स्नाइपिंग छोड़ दी थी, और उसके बाद जब भी मैंने स्नाइपिंग की वो कतई टट्टी थी। पर यार अब यहाँ पर हम है ना फिर से हमारे अंदर से प्राइड निकालने वाले हैं, वो सीजन 12 वाला प्राइड,
जो कि है। और भाई साहब मैंने फूल इसलिए अपग्रेड नहीं की क्योंकि यार कभी कभी कंफ्यूजन होता है। अगर आप सही बताओ मुझे क्या करना था यहाँ पर, M4 फुल अपग्रेड करनी थी या फिर ओम? हमने ओम तो ऑलरेडी कर दिया, क्या करें। और भाई साहब ज़रा सा ये पढ़ लो, चाहे आप वीडियो पॉज करो कुछ भी करो ये पढ़ लेना। और भाई साहब ये था अकाउंट बैन, मतलब हमारा नहीं यार, आपने क्या सोचा मेरा अकाउंट बैन हुआ है क्या? नहीं यार, मतलब एक बंदा था जो कि डुओ में हैक करके खेल रहा था, जिसका नाम था शायद विकारा बाबा, ऐसा कुछ नाम था यार। भाई साहब उसने स्मोक थ्रू मार दिया भाई, स्मोक थ्रू, वॉल थ्रू, हर जगह से मार दिया साले ने यार। तो मैंने रिपोर्ट की और भाई साहब हमें तो फल मिल गया। और भाई साहब पहली बार कोई हैकर बैन हुआ है पबजी से, मेरे ऑन, मतलब ऑफिशियली वो बैन हुआ है। या फिर नॉर्मली तो मैंने बहुत सारे हैकर्स देखे हैं जो कि लाइव हैक करते हैं यार। मुझे प्रमोशन तो किसी का नहीं करना है इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, पर यार रियली वो लाइव करता है हैकिंग पबजी, मतलब पबजी मोबाइल ऑन पीसी खेलता है वो बंदा। उसका नाम तो यार रॉयल गेमिंग है, ऐसा कुछ नाम है मुझे याद नहीं, चेक ज़रूर करना यार, वो हैकर है। और भाई साहब अगर आपको मेरी पुरानी वाली स्नाइपिंग देखनी है कि मैं कैसी स्नाइपिंग करता था सीजन 12 से पहले, तो यार पुराने वीडियोस देखो ज़रा। और भाई साहब ये ओम इसलिए लिए क्योंकि स्किल्स है ना, स्किल्स बढ़ती है। ये किसका ज्ञान है, ये किसने ज्ञान किसने है पता है ना आप? तो यार ये ज्ञान है ना प्राइड बाबा का है, तो यार ज़रूर लेना, इसलिए स्किल्स लो, स्किल्स लो हमारा है। तो भाई साहब चलो, और भाई साहब ये फनी क्लिप देखिए ज़रा, क्या ही किस्मत है हमारे वन इट लेजेंड की। तो भाई यार यहाँ पर हम खेल रहे थे एक नॉर्मल मैच, एक नॉर्मल दिन की तरह, पर यार उसमें हो जाता है स्कैम। मतलब आज सुबह ही हम खेल रहे थे, रात को मैं पोस्ट कर रहा हूँ वीडियो, आज सुबह ही एग्जैक्टली सुबह मॉर्निंग मैच था यार। इसमें है ना मुझे ये थ्री व्हीलर मिली थी, तो यार मैं सामने जाता हूँ गाड़ी ढूंढने, पर यार ये गाड़ी मिलती नहीं है जैसा कि मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। और भाई साहब उसके बाद मैं गाड़ी यहाँ पर ठोकता हूँ, और भाई साहब मैं जब मैप में देखता हूँ कि रेड जोन है, मैं फिर से आता हूँ पीछे, पर भाई साहब उसके बाद है ना मुझे फुटस्टेप्स आते हैं मैप की तरह देखता हूँ, तो आप मैप देखिए ज़रा, आपको भी दिखे होंगे। और भाई साहब मैं बुलाता हूँ इस लेजेंड को, पर लेजेंड दिमाग लगाता है कतई 100 KD का, और इसका हो जाता है 100 KD, तो देखिए ज़रा। तो भाई साहब इसके साथ स्कैम ऐसा हुआ है कि ये फिनिश कैसे हो गया, पहले तो मुझे भी पता नहीं चला, पर जब मैं इस बंदे को मारने के बाद जब मैं नीचे कूदता हूँ तब मुझे पता चलता है कि यार ये ऐसे मरा है कि मैंने वहाँ पर गाड़ी मारी थी, मतलब वहाँ पर मैंने गाड़ी ठोकी थी, मतलब आपको याद होगा। और भाई साहब रेड जोन उस गाड़ी के ऊपर ही गिर गया, और भाई साहब उसी के पास ये था, मतलब हमारा लेजेंड। और भाई साहब ये तो बंदे को हमने मार दिया, पर हमारा लेजेंड का भी कल्याण हो गया। और भाई साहब यहाँ पर आता है एक डुओ जिसे कि हम फास्ट फॉरवर्ड में मार देते हैं हैक लगा के, और भाई साहब हम भी मर जाते हैं, तो देखिए ज़रा।